दोस्तों, बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां आपके टैलेंट के साथ साथ आपका लक भी काम आता है, क्योंकि हर साल लाखों लोग एक्टर बनने का सपना लेकर माया नगरी पहुंचते हैं, जिनमें से हजारों लोग काफी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन मौका मिलता है सिर्फ चुनिंदा को। तो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे सुपर विलेन की कहानी बताने जा रहे हैं जो बनना तो चाहता था हीरो, जिसकी कद काठी और चेहरा भी हीरो की तरह था, लेकिन वो सिर्फ फिल्मी दुनिया का एक विलेन बनकर रह गया। और एक समय के बाद तंगहाली ने उसे ऐसा घेरा कि उसके पास घर खर्च चलाने के भी पैसे नहीं बचे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 80 और 90 के दशक की फिल्मों में विलन का किरदार निभाने वाले महेश आनंद की। इस वीडियो में हम आपको महेश आनंद की जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, वैसे तो महेश आनंद हमारे बीच नहीं है, लेकिन 80 और 90 के दशक की कई फिल्मों में आपको महेश आनंद या तो खलनायक या खलनायक के मुख्य आदमी के रूप में काम करते दिखाई देंगे। महेश ने अपने करियर में कई फिल्मों में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई, लेकिन एक समय के बाद कई सालों तक वो गंभीर आर्थिक संकट का सामना करते रहे। महेश आनंद बॉलीवुड के एक एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी थे। महेश को बॉलीवुड की चर्चित फिल्में थानेदार, आया तूफान, प्यार किया नहीं जाता में उनके द्वारा निभाए गए किरदार के लिए जाना जाता है। दोस्तों, महेश आनंद के बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक ट्रेंड डांसर भी थे, और उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका भी अपनी डांसिंग स्किल्स की मदद से मिला था। उस जमाने में महेश ने कई कार्यक्रमों में अपने डांस का जलवा भी दिखाया था। दोस्तों, बॉलीवुड में महेश आनंद को प्रोड्यूसर बरखा रॉय के क्लोज फ्रेंड के तौर पर जाना जाता था। बरखा रॉय प्रसिद्ध अभिनेत्री रीना रॉय की बहन थी। फिल्मों में आने से पहले वो भारत की टॉप मॉडल्स में शुमार थे। इतना ही नहीं, महेश ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट भी रह चुके थे। अपना करियर शुरू करने से पहले वो दुनिया भर के प्रोफेशनल्स फाइट्स में हिस्सा लेते थे। बताया जाता है कि फिल्म टार्जुन के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद महेश आनंद थे, लेकिन डायरेक्टर की जिद थी कि उन्हें फ्रेश चेहरा चाहिए, जबकि महेश तब तक कुछ फिल्मों में काम कर चुके थे, इसलिए आखिर में उन्हें ये रोल नहीं मिल पाया। दोस्तों, बॉलीवुड के इस विलेन यानी कि महेश आनंद का जीवन काफ़ी परेशानियों में गुजरा था। जब वो महज 2 साल के थे, तभी उनकी माँ का देहांत हो गया। महेश आनंद की माँ तारा देवी भी एक्ट्रेस थी। उन्होंने फिल्म कृष्णा रुक्मणी में काम किया। महेश आनंद की जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 1992 में एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा से शादी की थी। बाद में उनका तलाक हो गया और उन्होंने 2015 में रशियन लेडी लाना से शादी रचाई। इसके अलावा महेश आनंद का नाम एक्ट्रेस काठी ईरानी से भी जुड़ा। काठी ईरानी एक्ट्रेस नीलम की चाची हैं। एक्ट्रेस किमी काटकर के साथ उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की थी। दोस्तों, महेश आनंद की बेटी का नाम त्रिशूल आनंद है और वो अपने पिता की तरह काफ़ी हैंडसम दिखते हैं। साथ ही वो कनाडा के टोरंटो में रहते हैं। दोस्तों, महेश आनंद अपने फिल्म करियर में अमिताभ बच्चन, गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त जैसे अभिनेताओं के साथ गंगा जमुना सरस्वती, शहंशाह, मजबूर, थानेदार, बेताज बादशाह, कुली नंबर 1, विजेता, लाल बादशाह, आया तूफान, बागी, कुरुक्षेत्र, प्यार किया नहीं जाता जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप महेश आनंद को किस रोल के लिए याद करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर करें। साथ ही बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।